जी साहब अभी बता ही रहे थे, यह खबर कल शाम को आई थी पुलिस की तरफ से, और आप लोग सब इस चीज से भी बिल्कुल वाकिफ हैं कि पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के अंदर बिल्कुल 100% तालमेल है। तो बताए हुए प्लान के हिसाब से तीनों फोर्सेस अपने अपने प्लान के हिसाब से लोकेशन पर गई है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे आईजी साहब बता रहे थे, सबसे पहले एक ही हमारी बटालियन से ही जो कि 44 RR है, वो जाके उसकी फैमिली तक पहुंची है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को लेकर इनकाउंटर साइट पर गए हैं। 34 RR को उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है और 34 RR में फिर इन लेडी को आगे बढ़कर पहले सरेंडर अपील कराई है। उसके बाद उसके बच्चे को भी फैसिलिटेट किया है जो कि 4 साल का था, कि शायद उसके कहने से वो वापस आएगा। अभी हमें ये पता लग रहा है कि आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए एक दो और जो थे उन्होंने उसको रोक लिया। तो शायद अगर वो आ जाता अपने दिमाग से तो शायद हम उसको बचा लेते। उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ को भी हमने आगे किया, उसने भी जाके उसको सरेंडर अपील के लिए कोशिश करी है। यही चीज तब भी हमारे को पेश आई, और तभी अगर आप देखेंगे रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सके। पर जब वो सारी चीजें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज हो गया, तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें। तो आपके जरिए, मीडिया भाइयों के जरिए यही पैगाम हम सब की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से और कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है लास्ट मोमेंट तक, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल लड़कों के लिए कमिटेड है। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा, हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे। मेरे एक लड़के को जो 34 RR का था, जिसको गोली लगी है, वो गोली भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो कवर लेकर आगे जाके उसको लाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ये सब ना करते तो शायद ये इनकाउंटर आधा घंटा भी ना चलता। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आईजी साहब बता रहे थे, काफी लड़के भारी तादाद में इनडायरेक्टली हमारे तक अपने पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, पर उनके एक आध कोई रिंग लीडर होते हैं जो उनको रोकते हैं। तो आपके जरिए अगर हमारा ये पैगाम गांव-गांव तक जाए कि जो भी वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हम उसको बहुत खुशी से वापस शामिल करना चाहेंगे। सारी सिक्योरिटी फोर्सेज उसके लिए भी कमिटेड है। लास्ट मैं 34 RR, 2 Sector RR, CRPF और JKP, जो कि बिल्कुल एलीट पुलिस फोर्स बन चुकी है, उन सबको कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि इतने प्रोफेशनल तरीके से जो आजकल ऑपरेशंस हो रही हैं, वो तब तक नहीं हो सकती जब तक टोटल समन्वय ना हो। थैंक यू।